रखिएगा, पूछा जाता है ये एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना कि ये भी 1p कभी भी नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट सेल पे जो पी सब सेल है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो ऑलवेज किसमें प्रेजेंट होता है, सेकेंड सब सेल पे प्रेजेंट होता है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरबरी स्कीम। आपने पढ़ा था बोरबरी स्कीम के थ्रू जो हमारा सेकेंड सेल होता है, सेकेंड सेल पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस पे जाते हैं, एस पे जाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे किस पे जाते हैं, पी पे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बेस पे ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारा एन का वैल्यू है, सेकेंड सेल में पी प्रेजेंट होता है, इस वजह से पी कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड से स्टार्ट होता है, और एन का वैल्यू फॉर पी कितना होता है पूछा जाए, मिनिमम तो 2 होता है, और मैक्सिमम जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर शो हो जाए उसके बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हमसे पूछा जाएगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 होता है। ठीक है, फॉर एस एन का वैल्यू 1 होता है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैंने आपको बताया था, और पी के लिए क्या होता है, NP6 होता है। ठीक है, तो एक इसके लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे लिए 2 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज अ जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से हमारे जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, जो हमारा कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप को क्या बोला जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो 13 ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज बोरॉन फैमिली। यहाँ पे आप बात कर रहे हो 13th ग्रुप की, जो 13th ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, बोरॉन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले बोरॉन एल्यूमिनियम और आई थिंक बोरॉन होता है, एक आपका एल्यूमिनियम होता है, फिर आपका गैलियम होता है, इसके बाद इंडियम होता है, और इंडियम के बाद होता है थैलियम। ठीक है, थैलियम को हम TL से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद एक अदर एलिमेंट 113 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो आता है UUT के फॉर्म पे, वो जनरली होता है शायद। तो देखो वो तो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेस पे हो जाएगा, तो मैं आपको जो हमारा थैलियम है उसके बेस पे बता रही हूँ। ठीक है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट आ गए, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और क्या है, थैलियम। ठीक है, इतने एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा 13th ग्रुप होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करना है तो आपका क्या हो जाएगा, बोरॉन, बोरॉन पे आप टोटल कितना 8 ऐड करोगे, 5 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर, आप सभी जानते हैं, इस पे 8 ऐड करो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 पे कितना ऐड करोगे आप, जनरली आप इस पे 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 31 आ जाएगा। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 31 होगा। फिर 31 पे आप कितना ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 आ जाएगा। फिर 49 पे आप कितना ऐड करोगे, 32 ऐड करोगे, तो 32 ऐड करने पर थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो जाता है, फिर आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, और फिर थैलियम का। इसका कोई भी आप एक पोयम बना लीजिए और पोयम के बेसिस पे आपको बोरॉन फैमिली का नाम याद रहेगा। अब सपोज मैं 2 एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगी, तो इस पे देखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जैसे बोरॉन का, जैसे मैंने बोला था कि 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन P1 होगा इसका, NS2 हो जाएगा और NP1 हो जाएगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो। तो बोरॉन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। ठीक है, 5 के बेसिस पे देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और बचा कितना मेरे पास, 2p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना आया, 1 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p आपका क्या हो जाएगा, लगभग 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 2p6 और इसके बाद 3s2 और क्या आ जाएगा आपका, 3p1, क्या आया आपका,
3p1 आया, समझ गए? तो सबसे पहला एलिमेंट का क्या आया? 2p1 आया, उसके बाद वाले एलिमेंट का 3p1 आया, मतलब गैलियम का क्या आ जाएगा? 4p1 आ जाएगा, इंडियम का आ जाएगा 5p1, और जो थैलियम है उसका आ जाएगा 6p1, क्लियर है? तो इससे हम क्या करते हैं, जब भी हमको किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो, तो अगर हमको कंटिन्यूअसली उसका क्या पता हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा ये पता हो, तो आसानी से हम उसके लास्ट के सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? तो कैसे करना है आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट? दैट मीन्स अगर आपको 13th ग्रुप के सारे एलिमेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं उसका क्या कैलकुलेट करने बोले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने बोले, तो अगर आपको उसका जनरल फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, साथ में बली गए हाँ गैलियम का और इंडियम का और थैलियम का, इन सभी का आप क्या पता कर सकते हो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो। इसका क्या आया था, हमने देखा ये S2 सभी में कॉमन होगा, ठीक है? इसमें क्या आया था, 2p1 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 3p1, ये हो जाएगा 4p1, ये हो जाएगा 5p1 और ये हो जाएगा 6p1, याद रखना, ठीक है? ये सेकेंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है, ये फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड में और ये सिक्स पीरियड में, क्लियर है कैसे मैंने इसको किया? अब देखिए ऐसा ही आप जैसे ही एक अदर एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ, 14 करोगे तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। जैसे 14 एलिमेंट में अगर लू, 14th ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप में प्रेजेंट होता है, हाँ सुनिए, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम के बाद आपका टिन हो जाएगा और टिन के बाद आपका क्या आ जाता है, लेड आ जाता है, ठीक है? तो ये देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी जानते हैं 6 होता है, 6 प्लस क्या करोगे 8 करोगे, तो कितना आ जाएगा 14, फिर 14 प्लस क्या करोगे 18 करोगे, 14 प्लस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 32 आ जाएगा, फिर 32 प्लस क्या करोगे 18 करोगे, तो 10 का एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है? फिर 50 प्लस क्या करोगे, हाँ 32 करोगे, 32 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो मुझे ये एटॉमिक नंबर मिलता जा रहा है जैसे जैसे सेल में मैं नंबर बढ़ाते जा रही हूँ, ठीक है? और इसका लास्ट सेल क्या हो जाएगा, अगर ये NP1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 14th ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, NP2 को रिप्रेजेंट करेगा, देखिए हाँ, तो देखिए होगा क्या, ये आपका क्या हो जाएगा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करो क्या आएगा 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो देखिए इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आया p2 आया, ठीक है? तो अगर इस पे 2p2 आ रहा है तो सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगा 3p2 हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा 4p2 हो जाएगा, टिन के लिए क्या हो जाएगा 5p2 हो जाएगा और लेड के लिए क्या हो जाएगा 6p2 हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि पीरियड के बेस पे कैसे मुझे उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी लंबा होता जाता है, ठीक है? और हम सभी जानते हैं कि जब हम बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग में ओनली लास्ट वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो अगर आप लास्ट वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं तो आपको इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका होता है। अगर आपको बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सभी का हम सभी को क्या पता होता है, एटॉमिक नंबर पता होता है, और ये काफी कम एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना इजी होता है, ठीक है? तो ये अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन पता है कि उसमें 2 आएगा क्योंकि वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसके बाद वाले एलिमेंट में 3rd आएगा, 4th वाले के लिए 4th, 5th वाले के लिए 5th और 6th वाले के लिए 6th आ जाएगा, क्लियर है? तो इस तरीके से क्या किया जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में P1 से लेकर P6 तक आउटर मोस्ट जो एलिमेंट होते हैं या नंबर ऑफ सेल्स होते हैं एलिमेंट के, उसको कैलकुलेट किया जाता है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जाता, सिर्फ लास्ट सेल का किया जाता है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको एक बार क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, किन्नी ने अभी मैसेज किया था, किन्नो ने किया था मैम, मैं मनीष,
हाँ बोलिए क्या हुआ, कौन मैम, मेरा नोट्स कंप्लीट कंप्लीट नहीं है मैम। से चैप्टर का आपका? मैम ऐसा तो मेरा कोई कंप्लीट ही नहीं है मैम, क्योंकि मैं तो कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो आप फर्स्ट चैप्टर का ही मैंने नोट्स भेजा है अभी तक। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बट उसका नोट्स मेरा पेंडिंग है, अभी तक नहीं भेजा है मैंने, बिकॉज टाइमिंग का थोड़ा इशू है इस वजह से। तो जब भेज दिया जाएगा तो आप सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर लीजिएगा, या फिर आपके जो फ्रेंड है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे एक ही चैप्टर का नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है। मैम आधे से ज्यादा जितने भी हैं सब सारे लड़कियां हैं इसमें, बॉयज तो है ही नहीं। आप अच्छा ही भेज तो देना ना नहीं मैम मेरे पे। ना बेटा, हम रखते हैं उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं, इस वजह से बोला जा रहा था आपको। मैम आप चलिए किसी पूछ लीजिए ना आप, मैम, कोई हाँ भेजेगा तो। आप सेकंड चैप्टर का नोट्स लिख के रखिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा किसी बच्चे से लेकर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके हाँ ठीक है मैम, ठीक है मैम, चलिए। थैंक यू मैम। हाँ तो देखिए क्या होगा आपका, ये एस ब्लॉक एलिमेंट की बात की जा रही थी, अब हम किस पे आते हैं, 18th ग्रुप पे आते हैं। ठीक है, 18th ग्रुप पे अगर आप आओगे तो हम सभी जानते हैं कि 18th ग्रुप पे क्या प्रेजेंट होता है, सारे के सारे इनर्ट गैसेस होते हैं, लाइक का हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा, ज़ेनॉन होगा, और एक क्या होता है, रेडॉन होता है। ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आएगा, हमने देखा हीलियम, दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, आप सभी जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2s2 आएगा, मतलब ये प्रेजेंट तो है 18th ग्रुप पे लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पे नहीं जाता है। लेकिन इसके बाद के नियॉन का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, मतलब लास्ट में जितने भी हमारे, जैसे आर्गन का करेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, उसके बाद 2p6 आ जाएगा, फिर 3s2 आ जाएगा, फिर 3p6 आ जाएगा। तो देखिए 6 + 4 10 हो गया, देन 12 12 6 हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें भी लास्ट क्या आया, 3p6 आया, अब यहाँ पे 2p6 आया, यहाँ पे 3p6, तो इसके बाद वाले एलिमेंट किसके लिए, जो क्रिप्टॉन है उसके लिए क्या हो जाएगा, 4p6 हो जाएगा, ज़ेनॉन के लिए क्या हो जाएगा, 5p6 हो जाएगा, और रेडॉन के लिए क्या हो जाएगा, 6p6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है और ये भी पता है कि वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, तो उसके बाद वाले एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, जो 18th ग्रुप एलिमेंट होता है आप सभी जानते हैं कि इसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ज्यादातर ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिव नहीं होने की वजह से या एक स्टेबल नेचर ऑफ देयर कॉन्फिगरेशन शो करने की वजह से। ठीक है, इसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं 17th ग्रुप जो होता है उसको हैलोजन फैमिली बोला जाता है, ये एक हैलाइड का तरह का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और आई थिंक एस्टेटाइन जो है एलिमेंट है वो आता है। इसके बाद 16th ग्रुप की बात करोगे तो उसको ऑक्सीजन फैमिली बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम आएगा, और जो 15th ग्रुप एलिमेंट होता है उसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, और इस फैमिली पे टोटल प्रेजेंट जो 4 एलिमेंट होते हैं वो आपका नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, और एक एंटीमनी और बिस्मिथ आ जाते हैं। ठीक है, और फिर 14th ग्रुप अभी मैंने बताया उसको कार्बन फैमिली बोला जाता है, और उसको बोला जाता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है इसमें। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट एज अ पोयम आप बना सकते हो, ये सभी पोयम के थ्रू ही बनते हैं, और एलिमेंट के नेम चार चार एलिमेंट ही हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे बाबा ली गए तेली ने, ऐसे आप 13th ग्रुप के बारे में पोएम बना सकते हो, काशी गए सेंगी, ऐसे आप पोएम बना सकते हो, वो आपके बेस पे होता है कि आप किस टाइप से उसको पोएम बना रहे हो। ठीक, चलिए तो अब कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जो हमारा कौन सा ग्रुप होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट जो 6th ग्रुप होते हैं जिनमें 13 to 18 ग्रुप कंटेन है,
उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसमें जो कैरेक्टर्स होता है वो कौन कौन सा होता है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर शो करता है। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें मेटल के भी नेचर होते हैं, जैसे आयोडीन एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म पे आपको मिलेगा और उसमें काफी ज्यादा साइनिंग होती है, ठीक है। साइनिंग कैरेक्टर किसका होता है, मेटल का होता है, ठीक। और कुछ अदर एलिमेंट की आप बात करोगे, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, हमारा डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, उसके एलोट्रॉप्स हैं वो। और उस एलोट्रॉप्स के कैरेक्टर्स को देखोगे तो वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो ग्रेफाइट होता है वो। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर तो है लेकिन एक्चुअल में कार्बन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में आता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत से एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनमें कुछ मेटेलिक नेचर भी प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होता है, नॉन मेटेलिक नेचर भी प्रेजेंट होता है। ईच ग्रुप में हम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जब हम कहां जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर जितने भी एलिमेंट इन ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होती जाती है, लूज होती जाती है, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको टॉप टू ऊपर से नीचे आना, दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर इन अ बी ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीज होता जाता है। लेकिन कॉलम की बात करो या पीरियड की बात करो तो आप वहां से लेफ्ट टू क्या जाओगे, राइट जाओगे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी है किसकी, एलिमेंट की, वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो ठीक है। तो इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर इंक्लूड होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो इन अ ग्रुप अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज क्या होता जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो अब लास्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे रहे या ना रहे, जो न्यूक्लियस है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आने वाले अदर इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करने की एबिलिटी शो नहीं करता, क्योंकि उससे वो किसी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन नहीं करेगा, दैट मींस वो नॉन मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की एबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इन अ पीरियोडिक टेबल या पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जितने भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आपने पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे किसका बनना, N2 का बनना, O2 का बनना, Cl2 का बनना, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक में आता है, ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक में आता है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक में आता है। हाउ टू प्रिपेयर बोला जाए तो इन सभी के बीच में बॉन्ड का क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी वजह से बोला जाता है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी होती है और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को बना लेते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखो टोटल ग्रुप कितने हैं, 13 ग्रुप है, 13 टू कितना है, 18 है, मतलब बीच में 14 आएगा, 15, 16, 17 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अगर इसकी वैलेंसी P1 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, आगे जाऊंगी तो +2 आएगा, फिर +3 आएगा, फिर +4 आएगा, फिर +5 आएगा, मतलब ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। और इसमें बहुत सारे हमको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, मतलब पी ब्लॉक में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, In every period, the reducing character of the element decreases from left to right, while the oxidizing character increases. ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हमारा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है एलिमेंट का, ऑक्सीडाइज करना कल ही बताया था मैंने NaCl और किसका H2O का, तो रेड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां से रिमूव हो गया मतलब उसका रेड्यूसिंग कैरेक्टर कैसा है, काफी ज्यादा डिक्रीजिंग लेवल पर है। तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट का जो रेड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनका जो एक्टिवनेस हो वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसकी वजह से पी ब्लॉक का रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या हो गया उसके जस्ट अपोजिट इंक्रीज हो गया। और ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता जाता है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊं किसके साथ, जो भी हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है लाइक बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर हैलोजन हो गया उसके साथ, तो आसानी से वो रिएक्ट करता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखे। दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी हमारे ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मतलब जब हम टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट ही आप ले लो, जैसे CO2 है और CO2 गैस को अगर आपने इन एनी सॉल्यूशन प्रिपेयर करके लिटमस पेपर पे पास किया तो वो कौन सा कलर देगा आपको, रेड कलर अपीयर करेगा। या फिर उसका नेचर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एलिमेंट्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, अब एक बात बताइए, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, एस ब्लॉक का तो मैंने बता दिया, जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेड्यूसिंग कैरेक्टर बोल रही हूँ, जो रिएक्टिविटी नेचर होता है, क्या पूछा जा रहा है, रिएक्टिविटी नेचर अगर आप पीरियोडिक टेबल में क्या आते हो, टॉप से बॉटम आते हो, ठीक है, इन एनी ग्रुप, चाहे 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, ये बताइए रिएक्टिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। रिया आंसर करो। मैम अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है तो वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन से उस क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगी लास्ट सेल पे वो इजीली हो सकती है। इस पे जो आप देखोगे वो किसके बेस पे देखोगे रिया, देखो जब आप देख रहे थे एस ब्लॉक पे तो एस ब्लॉक पे आप इलेक्ट्रॉन रिमूविंग के बेसिस पे देख रहे थे, मैंने ये बोला था आपको इलेक्ट्रॉन रिमूविंग के बेसिस पे रिएक्टिविटी नेचर हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट थे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो ऑक्टेट के नजदीक पहुंचते जा रहा है, मतलब उसके नियर आते जा रहा है, जैसे जैसे उसको ऑक्टेट मिलता जाएगा वैसे वैसे वो स्टेबिलिटी जो नेचर होता है उसको अचीव कर लेगा, हमको ये बात पता है। ठीक है, तो इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट आपको देखना क्या है कि उसके गेन करने की एबिलिटी, किसको गेन करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी वो कैसी है, जितना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी शो करेगा इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट उसका रिएक्टिविटी नेचर उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके बेस पर बताइए कि रिएक्टिविटी नेचर इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट टॉप टू बॉटम अगर पीरियोडिक टेबल पे आते हो तो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी कैपेसिटी उसकी लो होती जाएगी। वेरी गुड, यही पूछना था मेरे को। हां, आर यू सी क्लियर है? यस मैम। टिनी Yes, ma'am. Yes, Vardhan, आप प्रेजेंट हो? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखिए ये चीजें आपको समझ आ गई कि कैसे कैरेक्टर
टॉप टू बॉटम जाने पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एबिलिटी होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी नेचर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी क्या होती जाती है, लूज होती जाती है। और नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं उसमें से जो 18th ग्रुप होता है, 18th ग्रुप में एलिमेंट जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया हीलियम होता है, हीलियम के बाद हमारा नियॉन होता है, इसके बाद आर्गन, देन क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन, और उसके बाद क्या होता है बताया मैंने, रेडॉन होता है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं पूछा जाएगा, तो 18th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और इन सारे एलिमेंट को क्या बोला जाता है, व्हाट इज, हाँ तो चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। हाँ तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। 18th ग्रुप में इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मैंने बताया NH2NP6 होता है, सभी का जो लास्ट सेल है वो फुलफिल है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी ऑक्टेट को अचीव कर चुका है, मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल नेचर का है। अब किसी से रिएक्ट करके ये अपने स्टेबिलिटी को बिगाड़ेगा क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, और उसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैसेस बोला जाता है, या फिर हम इसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, नोबल गैसेस के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। मतलब इन सभी का फिजिकल स्टेट क्या है, हीलियम भी गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है, एक तरीके की गैसेस ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप एक बताया गया है, देखिए यहाँ पर बाकी सारे ग्रुप नहीं बताए गए हैं, दो ग्रुप को स्पेशली मेंशन किया गया है, एक 18 और एक 17, मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा आप इस बात को समझ सकते हो। बाकी के क्या होते हैं, कोई बोरॉन फैमिली को बिलोंग करता है, कोई कार्बन फैमिली, कोई ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे उस फैमिली के बेस पे उस एलिमेंट का नेम याद रखना। ठीक है, शुरू के जो तीन एलिमेंट होते हैं ना वही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लास्ट एलिमेंट पूछे जाते हैं बट बहुत ही कम। तो जो जो आपके चार चार एलिमेंट इस ग्रुप में प्रेजेंट है सभी के नाम और साथ में लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपका 17th ग्रुप होता है, जिसको किस फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, हैलोजन फैमिली के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसमें जनरली क्या प्रेजेंट है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन, और एक हमारा क्या होता है, एस्टेटाइन प्रेजेंट होता है। ठीक, ये सारी चीजें हमको कहाँ से अवेलेबल होती हैं, तो जो क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है और आयोडाइड्स है, जिसको हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्म पे इंडिकेट करें, ये सी वाटर से अवेलेबल होते हैं और एज अ सॉल्ट फॉर्म वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक बोला जाएगा, तो NS2 और NP1 to 6 आ जाएगा, जिसमें से मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 18 ग्रुप को इनर्ट गैस क्यों बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालोगे, हीलियम इज अ एक्सेप्शनल केस ऑफ 18th ग्रुप बिकॉज उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक पे नहीं जाता, बल्कि उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो क्या करता है, एक स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है, क्योंकि फुलफिल्ड अगर कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, हमने सेकंड चैप्टर पे पढ़ा। हाफ फिल्ड भी हो तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा या सिमेट्रिकल होगा बोला जाता है, और उसके अलावा अगर कम इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड के अलावा, तो उसको क्या बोला जाता है, अनस्टेबल कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताइए कौन कौन से ग्रुप डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, कोई भी एक, 3 to 12, वेरी गुड, 3 to 12 जो ग्रुप होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, किसके कैरेक्टर, एलिमेंट के कैरेक्टर के बेसिस पे ये ग्रुप बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था। तो देखिए इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा
एस ब्लॉक में तो एस में एंटर करता था, पी ब्लॉक में पी में एंटर करता था, तो डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे एंटर करेगा, डी पे एंटर करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल अगर आप 3 to 12 के बारे में डिस्कस करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10 ग्रुप आ जाएंगे टोटल, और 10 ग्रुप मतलब D1 से लेकर कहां तक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, D10 तक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, ठीक है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहां पर किस फॉर्म पे शो किया गया है और ऐसा क्यों शो किया गया है वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है आपका, N-1, डी आपका कितना है 1 to 10 तक है, और इसके बाद NS आपका कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक है। ये NS तो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर N जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो अगर आपके पास 3D लिखा है और 3S लिखा है, ठीक, 3D और 3S में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, जैसे इसको अगर निकालेंगे N+L रूल के बेसिस पे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और इसको अगर कैलकुलेट करके निकालूंगी N+L रूल के बेसिस पे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, 3 में जाएगा या 5 में जाएगा, 3 में, हाँ 3 में जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3 में जाएगा। अब N-1 का मतलब क्या है उसके बारे में समझिए। आप सभी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक है हमारा, डी ब्लॉक कौन से सेल में प्रेजेंट होता है, एन इज इक्वल कितना आएगा, 3 आएगा। फॉर अ डी ब्लॉक मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि सेकेंड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंड सेल में हमने देखा था एस और पी प्रेजेंट होता है, और थर्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एस होता है, पी होता है और डी होता है, ठीक है। तो और जो फर्स्ट सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओनली एस, मतलब इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा वो साल्प होगा। सेकेंड सेल में जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो साल्प और प्रिंसिपल दोनों कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड सेल में जो स्पेक्ट्रा आते हैं वो साल्प भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, और साथ में डिफ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो जो डी का वैल्यू है मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। जैसे पी के लिए मिनिमम वैल्यू कितना था, 2 था, एस के लिए मिनिमम वैल्यू कितना था, 1 था, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से D कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। और अगर मुझे D को 3 करना है तो मेरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे लिखा क्या है, देखो मेरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे लिखा है N-1 और उसके बाद आएगा T। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 3D के लिए मिनिमम वैल्यू N क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 लाने के लिए N की वैल्यू मैं कितनी रखूंगी, 4 रखूंगी, तो 4-1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3D लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, 3D का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर लिखा क्या है NS2, इसका मतलब है कि यहाँ पर था 4S2, और इस 4 की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस 1 से माइनस करना है, और माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 3D आएगा। अब देखो इसको एड करोगे तो ये आपका 3+2 हो जाएगा, थोड़ी देर बस इसको कंप्लीट करके आ रही हूँ, ठीक है। 3+2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका 4s है तो 4+0 आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इन दोनों में कंपेयर करूं तो किस में जाएगा, 4 में जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5 में जाएगा। तो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये NS2 का वैल्यू जितना भी होगा इस N की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, और उस N की वैल्यू से 1 को माइनस करना है, और जो भी वैल्यू मेरे पास बची वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी। तो जनरली जो D कॉन्फ़िगरेशन है वो तभी स्टार्ट होता है जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, 4s आता है, क्योंकि 4s आने पर ही हम क्या अचीव कर सकते हैं, जो 3D है हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हम किसको लेते हैं, स्कैंडियम को लेते हैं। स्कैंडियम जो कि हमारा थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो देखो पूरा करके बता रही हूँ, एक ही एलिमेंट का 1s2, 2s2, क्या जाएगा 2p6, फिर आ जाएगा आपका 3s2, 3p6 और 3d, 3d से पहले मुझे क्या लेना है, 4s लेना है। अब देखो इसमें
छह चार हमारे पास कितने हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 6 16 हो गया, ये 2 18 हो गया, मुझे चाहिए 21 चाहिए, तो 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, क्योंकि 3d पे पहले नहीं आ सकता, पहले कहाँ पे आएगा, 4s पे ही आएगा, अभी मैंने आपको n plus l रूल के बेस पे बताया, तो अब ये कितने हो गए, 20 हो गए, बचा मेरे पास कितना, 1 बचा, तो ये 3d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो लास्ट कॉन्फिग्रेशन फॉर स्कैंडियम इज 3d1 एंड 4s2, तो ns के लिए n का वैल्यू कितना है, 4 है, और ये 3 n माइनस 1 का वैल्यू है, मतलब 4 माइनस 1 करूंगी तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्लियर है, इस वजह से इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n माइनस 1 d 1 टू 10 और n ns 1 टू 2 होता है, ठीक है, तो ये d ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, कल इसके कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है, चलिए।